से कई बार कहाँ का बैठे भैया आपका अरे कहाँ है भाई गर्म साहब कहाँ है अरे कोसी वाला मटर देखो क्या कहता है क्या नहीं कहता है इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि 500 साल पहले विदेशी आतताई आए उन्होंने हमारे जो पवित्र स्थान है जहां रामलला पैदा हुए इस स्थान को खंडित करने का प्रयास किया हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी आया कि वहाँ भूगर्भीय सर्वे भी हुआ उन सब में ये स्पष्ट हुआ है कि वहाँ रामलला पैदा हुए थे वहाँ मंदिर था मंदिर है और उसको भव्यता देना है भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से हमने उसका उल्लेख किया है कि मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर होगा ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर लेकिन ये सब संवैधानिक दायरे में रहकर कानून के दायरे में रहकर ही उसका समाधान होगा दर्शनार्थी बहुत बड़ी तादाद में अयोध्या आ रहे हैं और उनका स्वागत है आएँ लेकिन कानून कोई अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें क्योंकि कानून व्यवस्था भी ठीक रहे उत्तर प्रदेश की ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं अर्शन भी सब लोग कर सके और कानून व्यवस्था भी सब ठीक रहे अखिलेश यादव कहते हैं कि अयोध्या में सेना तैनात की जाएगी अब मैंने कहा अखिलेश जी क्या कहते हैं मायावती जी भी क्या कहेंगी राहुल गांधी क्या कहेंगे लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव और मायावती जी और राहुल गांधी राम मंदिर पर चुप क्यों हैं वो क्यों नहीं कहते हैं कि वहाँ मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए